बेस कैंप से रत्ती गली जाते हुए ये एक नीचे वादी में एक खूबसूरत छोटी सी झील और ऊपर पहाड़ों के ऊपर जमा हुआ बर्फ का मंजर, नीचे बर्फ से नीचे गिरता हुआ आबशार की सूरत में इस झील में पानी और भरी हुई झील और फिर ये पानी आगे चला जाता है। छोटी सी ये झील का मंजर, ये हम रास्ते पे जा रहे हैं बेस कैंप से रत्ती गली झील की तरफ। और ये नीचे वादी में ये इतना खूबसूरत और बिल्कुल खामोश पड़ी झील हमें नज़र आई, तो हमने मुनासिब समझा इसकी मंजर किसी करके आप तक पहुँचाए। इसे हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर। ये लोग जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी ऊपर, अभी पैदल जाने में तकरीबन एक घंटे का मज़ीद हमें वक्त लगेगा, लेकिन हमने भी तहिया किया है कि रत्ती गली तक हम जैसा भी रास्ता है पैदल ट्रैकिंग करते हुए हम जाएंगे। घंटा लगे या 2 घंटे लगे, उस मंजिल तक हम पैदल ही इंशाल्लाह ताला हमने जाना है, हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ लोग आ रहे हैं, अमूमन लोग जाते हुए भी जो कमज़ोर दिल हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं या ख़वातीन हैं बैठ के जाते हैं रत्ती गली झील तक। वापसी का अगर स्टेमिना है तो ठीक है, वरना घोड़ों पे बैठ के फिर वो वापस आते हैं यहाँ पे। कुछ थके हुए लोग जो हैं वो बैठ बैठ के यहाँ पे तो जाते हैं। तो हम ये वीडियो यहाँ ख़त्म करके पैदल चलते हैं मंजिल की तरफ रवा दवा।